Hey guys, so मैं कमाल बशान और जैसा कि हमने कहा था कि हम सीरीज शुरू करने वाले हैं कुक विद ब्रेड की, तो यहाँ पर हम लोग ला चुके हैं वो। तो यहाँ पर हम लोग लाए हैं काया ब्रेड, जो कि मैंने रिसेंटली खाया था सिंगापुर में, एंड ये काइंड ऑफ वहाँ पर फेमस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके स्प्रेड लेकर आ गई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये इसका जार है स्प्रेड का और हम दिखाने चाहते हैं because we is not sponsor. इसमें बस तीन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और हाँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता इसमें। एक तो ये काया ब्रेड है, अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं इसको। उसी ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, हम कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ब्राउन ब्रेड है, तो अभी हम लोग जो है ब्रेड के कॉर्नर्स काटेंगे और हमें पतले पतले कॉर्नर्स काटने हैं, ताकि अगर हमें फेंकना हो तो हम फेंक सकते हैं, क्योंकि वेस्ट नहीं करना। हाँ, और अगर आपका उसका कुछ वेस्ट नहीं करना तो आप उसका कुछ बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस। तो अभी हम कॉर्नर्स काट के, तो हम सोच रहे हैं कि हम कॉर्नर्स काट करके उसको टोस्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, ठीक है। हमारे जो ब्रेड हैं वो टोस्ट हो चुके हैं और हमें अब लेके, जब तक ठंडे नहीं हो जाते तब तक हमें वेट करना होगा। आई गेस 5 मिनट्स हो चुके हैं हम टोस्ट करे हुए। तुम्हारा जल्दी हुआ तो तुम्हारा हो गया, पर मेरा भी थोड़ा गाना है। पूरा जैसे ठंडा हो जाए ना, पूरा ठंडा, तब हो तब हमको बटर भी चाहिए, इसलिए मेरे कारण बटर इज नीडेड कोल्ड एज वेल। हाँ, बटर हमें ठंडा चाहिए तो वो फ्रिज में अभी। तो ठंडा करने के बाद मिलता है। गाइस, हमारी ब्रेड ठंडी हो चुकी है, थोड़ी सी गर्म है, हमें वैसे ही चाहिए। तो अब हम इसमें हमारा काया स्प्रेड लगाएंगे, लेकिन हमें उसको दिखाना नहीं है, तो हम साइड में करके लगा सकते हैं। खोला नहीं जा रहा तुमसे। खुल गया। तो ये हमारा बटर नाइफ है। तो स्प्रेड लगाएंगे। मैं पहले लगा रही हूँ, बात नहीं चलता। एंड ये आपके ऊपर है कि आपको कितना लगाना है। हाँ, क्या हुआ, हंसी की बात हमको, क्योंकि लग ही नहीं रहा है टाइम, लग ही नहीं रहा टाइम भाव। सो हम आपको ऐसी कुछ हो रहा है। अब तुम्हारी बात, लो मेरा लग गया। वेट, ओके, थैंक यू। कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे हमें लगाना है, मतलब कॉर्नर पे लगाने वाला पूरा ब्रेड उसको भर देना उससे, और सिंगल ब्रेड पे लगाना है। हाँ, एक ही ब्रेड पे। बस ऑलमोस्ट हो गया। दैट्स इट। ओके, हो गया। ओके, अब हम लगाने वाले हैं बटर। तो उसको वैसे हमें पहले थोड़ा काउंटर क्लीन करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग बटर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, ये आ चुका है हमारा अमूल बटर, कोई भी बटर ले सकते हैं। हाँ, तो अब खोला इसको। तो ये पूरा मैंने बटर का ब्लॉक जो लिया है उसको हम लोग पूरा काटने वाले हैं। आई मीन, कैसे निकालूं? एक मैं इसको निकालती हूँ पहले। ओके, तो अब बटर हमारा निकल चुका है। एक सेकेंड, ये देखिए बटर। तो अब जो है हम इसका एक मोटा सा लेयर काटने वाले हैं अभी। और इस ब्रेड में नहीं लगा है स्प्रेड, उस पर लगेगा वो, है ना? नहीं, जिस पे स्प्रेड लगा है उस पे। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा मोटा सा हमें लेयर इसका काटना है, फैट लेयर। जमी हुई है पूरी। वेल, हमें जमा ही चाहिए, बिकॉज इट्स ठंडा। हाँ, मतलब ठंडा ही चाहिए हमें बटर। ओके, मेरा कट गया है किसी न किसी तरह। अब तुम्हारी बारी, तुम काटो। अच्छे से काटना बता दे रही हूँ मैं। लो। ओके, मेरा हो चुका है। ओह माय गॉड, मेरे हाथ नहीं कट पाएगा। अच्छा गाइस, काटने के बाद चलते हैं। हाँ, सो गाइस, हम बटर निकाल चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से निकला है, दिखाना नहीं चाहते। ओके, तो हम जो है जो बटर ने एक पूरा लेयर काटा है उसको हम लोग लाइक 4 पीसेस में कर लेंगे, एंड उसको हम लोग लगाएंगे हमारे जिस पे हमने स्प्रेड लगाया था ना, तो उस पे। ये वैसे थोड़ा अभी पिघल गया, लेकिन ये पिघला हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बस, एंड दैट्स इट। इसको बिल्कुल भी पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा ठंडा होना चाहिए। हमारा तो पिघल गया बिल्कुल। और इसके ऊपर ये ऐसे दिखता है हमारा, इसके ऊपर हम अपनी ब्रेड लगाएंगे, एंड ये डन। बट उसको खा सकते हैं।
सो हम इसको बस प्लेट में रख के लेके आते हैं। सो गाइस हमारी काया ब्रेड रेडी है ना, हमने ले लिया। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।